दूसरा बंद करो बंद करो। बढ़ती हुई तेल की कीमतें कम करो कम करो। तेल की कीमतें कम करो कम करो। बढ़ती हुई तेल की कीमतें कम करो कम करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय। बीजेपी हाय हाय। बीजेपी खून चूसना बंद करो बंद करो। गरीबों का खून चूसना बंद करो बंद करो। आज का जो हमने प्रोटेस्ट रखा है वो बढ़ती हुई तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल गैस, ये सारी चीज़ें जो हैं आसमान को छू रही हैं। जब ये सरकार बनने को आई थी तब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं गरीबों के लिए अच्छे दिन लाऊंगा। मैं गरीब घर का लड़का हूं, गरीब घर का हूं, मैं गरीबी को अच्छी तरह से देखता हूं। मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी आपने गरीबी देखी थी वहाँ पर, अपने बचपन में आपने कौन सी गरीबी देखी थी। आज जो है गरीब जनता जो है तिल तिल करके मर रही है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने गरीब जनता को मारना ही है एक बार मार दो, अब ये हल्के हल्के हलाल की छुरी मार चलाओ, एक बार जितनी कीमतें बढ़ानी है बढ़ा दो। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने इतनी टैक्स लगाए हुए हैं हमारे ऊपर, GST CST पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगा चुके हैं। कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पर जो टैक्स नहीं लगाया हुआ है। उस टैक्स लगाने के बावजूद भी है तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि पड़ोसी जो देश है वहाँ पर तेल काफ़ी कम है, इंटरनेशनल लेवल कच्चे तेल की कीमतें बहुत गिरी हुई हैं, पर उसके बावजूद भी जो हमारी सरकार है गरीबों का खून चूस रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर उनसे निवेदन करता हूँ, गरीबों के आय मत लो, गरीबों की जो बददुआ मत लो। आने वाला चुनाव 2019 में होगा, आपके लिए आपकी पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा और आपका नामो निशान मिट जाएगा।